हमें आजाद हुए 75 साल हो गए। एक मुल्क आजादी के पहले पल में क्या महसूस करता है, कैसी रही होगी आजादी की वो रात, वो पहली सुबह जब लोगों ने पहली बार दिल्ली की इमारतों पर तिरंगे को लहराते हुए देखा होगा, जब हमारे मुल्क ने एक पल में अंग्रेजी राज की 3 शताब्दियों की धूल चेहरे से पोंछ दी होगी। दोस्तों, मैं आपको 14 और 15 अगस्त 1947 की रात और अगली सुबह के उन मोमेंट्स को जीवंत करने जा रहा हूं, ताकि आप भी उस पल को महसूस कर सकें। दोस्तों, मैं हूं पोषण कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेरी आवाज बाई पोषण। आओ आजादी का जश्न मनाएं, दी है जान वतन पर जिसने उनको नहीं भुलाए, आओ आजादी का जश्न मनाए। वीरों ने जो सपने देखे पूरा कर दिखलाया, और विदेशी गोरों को भारत से मार भगाया, याद उन्हें कर अपना तिरंगा नभ में हम फहराएं, आओ आजादी का जश्न मनाए। हाथों में तिरंगा और जुबां पर जय हिंद के नारे लिए आज हर हिंदुस्तानी उस रात के बारे में जानना चाहता है, जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार एक आजाद मुल्क में सांस ली होगी। कैसी रही होगी 14 और 15 अगस्त 1947 की रात, कैसा रहा होगा अपनी दिल्ली का नजारा, कैसे पूरी रात जागकर देश भर में लोगों ने एक आजाद होते हुए देश को न सिर्फ देखा होगा बल्कि जिया भी होगा, कैसे अंग्रेजी शासन के खौफ से पीछा छुड़ाकर खुद के पैरों पर खड़ी होकर भारत ने एक रात में शताब्दियों के गर्दो गुबार को झाड़कर फेंक दिए होंगे, कैसी रही होगी वो आजादी की रात और वो आजादी की पहली सुबह। मशहूर लेखक डोमिनिक लैपियरे और लैरी कॉलिंस अपने किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में 14 अगस्त 1947 के ऐतिहासिक दिन का चित्रण करते हुए लिखते हैं, सैन्य छावनियों, सरकारी कार्यालयों, निजी मकानों आदि पर फहराते यूनियन जैक को उतारा जाना शुरू हो चुका था। 14 अगस्त को जब सूर्य डूबा तो देश भर में यूनियन जैक ने ध्वज दंड का त्याग कर दिया, ताकि वह चुपके से भारतीय इतिहास के भूतकाल की एक चीज बनकर रह जाए। समारोह के आधी रात को धारा सभा भवन पूरी तरह तैयार थी, जिस कक्ष में भारत के वायसरायों की भव्य ऑयल पेंटिंग्स लगी रहा करती थी, वहीं अब अनेक तिरंगे झंडे शान से लहरा रहे थे। लैपियरे और कॉलिंस लिखते हैं, 14 अगस्त की सुबह से ही देश के शहर शहर गांव गांव में जश्न शुरू हो गया था। दिल्ली के वाशिंदे घरों से निकल पड़े, साइकिलों, कारों, बसों, रिक्शों, टांगों, बैलगाड़ियों, यहां तक कि हाथियों, घोड़ों पर भी सवार होकर लोग दिल्ली के केंद्र यानी इंडिया गेट की ओर चल पड़े। लोग नाच रहे थे, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे और हर तरफ राष्ट्रगान की धुन सुनाई पड़ रही थी। चारों दिशाओं से लोग दिल्ली की ओर दौड़े चले आ रहे थे, तांगों के पीछे तांगे, बैलगाड़ियों के पीछे बैलगाड़ियां, कारें, ट्रकें, रेलगाड़ियां, बसें, सब लोगों को दिल्ली ला रही थी। लोग छतों पर बैठकर आए, खिड़कियों पर लटक कर आए, साइकिलों पर आए और पैदल भी। दूर देहात के ऐसे लोग भी आए जिन्हें गुमान तक नहीं था कि भारत देश पर अब तक अंग्रेजों का शासन था और अब नहीं है। लोग कंधों पर चढ़े, लोग गधों पर चढ़े, घोड़ों पर चढ़े, बच्चे माँ बाप के कंधों पर लटक गए। देहात से आए हुए बहुत से लोग पूछ रहे थे कि यह धूमधड़ाका काहे का है, तो लोग बढ़ बढ़ कर बता रहे थे, अरे तुम्हें नहीं मालूम अंग्रेज जा रहे हैं, आज नेहरू जी देश का झंडा फहराएंगे, हम आजाद हो गए। गांव और देहात से आए लोग अपने बच्चों को आजादी का मतलब अपने अपने हिसाब से समझा रहे थे कि अब अंग्रेज चले गए, अब हमारे पास ज्यादा पशु होंगे
अब हमारे पास खेतों में ज्यादा फसल हुआ करेंगी। अब कहीं आने जाने पर रोक नहीं रहेगी। ग्वालों ने अपनी पत्नियों से कहा कि अब गायें ज्यादा दूध देंगी क्योंकि आजादी मिल गई है। लोगों ने बसों में टिकट खरीदने से इनकार कर दिया। भला आजाद मुल्क में भी कोई टिकट लगा करते हैं? आजादी का समारोह देखने आया एक भिखारी उस विभाग में दाखिल होने लगा जो विदेशी के राजनीतिज्ञों के लिए आरक्षित था। जब सिपाही ने पूछा कि तुम्हारा आमंत्रण पत्र कहाँ है तो वह चकित हो गया। आमंत्रण? उसने कहा, अब कैसा आमंत्रण, हम आजाद हो गए हैं, समझे? अब कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सब बराबर होंगे। सबकी आंखों में आजाद भारत को लेकर अपनी एक समझ थी, अपनी एक सोच थी, अपना एक सपना था, क्योंकि इनमें से कोई भी कभी आजाद मुल्क में नहीं रहा था। लोग देखना चाहते थे कि एक आजाद मुल्क कैसा होता है। दोस्तों, मशहूर लेखक राजेंद्र लाल हांडा ने अपनी किताब दिल्ली में 10 वर्ष में वर्ष 1940 से 1950 के बीच की दिल्ली की जिंदगी, सत्ता के गलियारों में हो रहे बदलावों और सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर काफी विस्तार से लिखा है। आजादी की रात की आंखों देखी लिखते हुए उन्होंने धारासभा की भीड़ और लोगों के उत्साह का भरपूर चित्रण किया है। वे लिखते हैं, रात के लगभग 2 बजे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू धारासभा से निकलकर वायसराय भवन की ओर गवर्नर जनरल को आमंत्रित करने गए। स्वतंत्रता के उत्साह में भीड़ भी उनके पीछे पीछे हो ली। खाली स्थान था ही नहीं और जनसमूह इतना बड़ा था कि पता लगाना असंभव था कि वो लोग किधर जा रहे हैं। उस समय लोगों का जोश चरम सीमा को पहुंच चुका था। नेताओं के अभिनंदन में बराबर नारे लगाए जा रहे थे। उस समय सभी कुछ नवीन और अपूर्व दिखाई देता था। अपूर्व समारोह, अपूर्व दृश्य, अपूर्व उत्साह, अपूर्व देशभक्ति और अपूर्व जनसमूह। धारासभा भवन में ही नहीं, उसके बाहर हरी घास पर, सड़कों पर, सेक्रेटरियट के सामने विशाल मैदान में तिल रखने की भी कहीं जगह दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसी भीड़ तो लोगों ने प्रायः ही देखी होगी, पर आधी रात को किसी भी स्थान पर किसी समय 2-3 लाख आदमी इतने इकट्ठे न हुए होंगे। दिल्ली ने अतीत में अनेक उत्सव देखे, अनेक पर्व देखे, बड़े बड़े चक्रवर्ती दिग्विजयी सम्राटों के समारोह देखे, लेकिन अतीत के वे सभी महोत्सव उस महान पर्व के आगे फीके पड़ गए जो दिल्ली के लोगों ने 14 और 15 अगस्त 1947 की रात को देखा। उस रात दिल्ली में स्वतंत्रता का अवतरण हुआ। ठीक आधी रात के समय जिस क्षण 15 अगस्त के दिन ने जन्म लिया, लाखों नरनारियों को ऐसा आभास हुआ मानो गंगा की तरह स्वर्ग से स्वतंत्रता धरती पर उतर रही हो। सभा भवन से बाहर आधी रात के आकाश में अचानक बिजली कड़क उठी और मानसूनी बारिश हो गई। भवन को चारों तरफ से हजारों भारतीयों ने घेर रखा। वे भीगने लगे। चुपचाप क्षण क्षण नजदीक आ रही उस आधी रात की संभावना ने उन्हें इतना रोमांचित और तन्मय कर रखा था कि भीगने का उन्हें पता ही नहीं चल रहा था। आखिरकार आधी रात की भटंकार शुरू हुई जिसने एक दिन के समापन और साथ में एक युग के भी समापन की घोषणा कर दी। टंकार के दौरान कोई व्यक्ति बिल्कुल भी न हिला। फिर नेहरू के शंखनाद ने एक बड़े साम्राज्य के अंत और भारत भूमि पर एक नए युग के सूत्रपात की घोषणा कर दी। समारोह एकदम भव्य था। दोस्तों, साथ ही आर.एल. हांडा जी लिखते हैं, रात 3 बजे शपथ ग्रहण आदि के बाद समारोह समाप्त हो गया। कुछ लोग घरों को वापस हो लिए, बहुत से लोग लॉन और फुटपाथों पर सो रहे थे। अगले दिन यानी 15 अगस्त की सुबह 8 बजे
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर यूनियन जैक की जगह भारत का तिरंगा झंडा फहराया। दिल्ली हजारों साल का पुराना शहर है। अपने इतिहास में उसने एक स्थान में इतना विशाल जनसमूह निश्चय ही कभी नहीं देखा होगा जितना उस दिन लाल किले के आसपास आ जुटा था। स्थानीय पत्रों तथा सरकारी अनुमानों के अनुसार वहां 10 लाख से कम आदमी नहीं थे। दिल्ली गेट से लेकर काश्मीर गेट तक और जामा मस्जिद से लाल किले तक कहीं सड़क या भूमि दिखाई नहीं देती थी, सिवाय एक अपार जनसमूह के और कुछ नहीं था। इस भीड़ को विसर्जित होने में 4 घंटे लगे। सभी सड़कें प्रायः 1 बजे दोपहर तक भीड़ से खचा खच भरी रही। दोस्तों, आजादी की पहली सुबह का यह जश्न आधी रात से ही जारी था। 14 और 15 अगस्त की आधी रात के जश्न ने लोगों को उत्साहित कर दिया था। उस रात जन गण मन और वंदे मातरम के राष्ट्रीय गीतों की मधुर ध्वनि कैसी स्वर्गीय सी जान पड़ती थी। ये गीत पहले भी अनेकों बार सुने थे, किंतु उस रात तो एक एक शब्द मानो पुकार पुकार कर अपना अर्थ भी श्रोताओं के कानों में कह रहा था। उस रात वास्तव में शस्य श्यामला, बहुबल धारिणी, रिपुदल वारिणी आदि विशेषणों के ठीक अर्थ समझ में आए। जब जनगण मन आरंभ हुआ तो इसकी ललित लय में हजारों सिर हिल उठे, किंतु जैसे ही राष्ट्रगान में पंजाब और सिंध का उल्लेख हुआ, एकत्रित भीड़ में सैकड़ों आदमियों ने सिर उठाकर एक दूसरे को देखा। वहां उपस्थित जनों को सहसा विभाजन की टीस याद आ गई, जो दूसरी ओर पाकिस्तान नाम के मुल्क के रूप में मूर्त रूप ले चुकी थी और सरहदों पर हिंसा को जन्म दे चुकी थी। दोस्तों, जहां एक ओर आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर सरहद पर कत्लेआम हो रहे थे। हम अंग्रेजों की 250 वर्षों की गुलामी से आजाद तो हो गए, लेकिन जाते जाते हमें बंटवारे का दर्द दे गए। 14 अगस्त की रात हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, जिससे लाखों लोग बेघर हो गए। एक तरफ भारत तो दूसरी तरफ पाकिस्तान बना। बंटवारे के दौरान चारों तरफ हिंसा फैली हुई थी। लोग जिनके साथ उठते बैठते थे, वे अपनों के ही दुश्मन बन बैठे। दोस्तों, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आजादी मिली और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को, लेकिन दोनों देशों के बीच की सीमा रेखा तय करने में 17 अगस्त तक का वक्त लग गया। 17 अगस्त 1947 को दोनों देशों के बीच सीमाएं खींच गई, लेकिन हालात बिगड़ते ही गए। इसने दो मुल्कों के बीच कभी न खत्म होने वाली नफरत के बीज बो दिए। ऐ मेरे वतन, मेरी तस्वीर हो तुम, मेरी जमीर हो तुम। ऐ मेरे वतन, मेरी तकदीर हो तुम, विश्व के सभी देशों में सबसे वीर हो तुम। मेरा अक्स है तू, तू ही मेरा बिछड़ा चमन, तुझसे ही तो गुरूर है, तू ही मेरा सच्चा अहम। जो भी तू चुने, रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, उड़ेंगे हम जो भी तू बुने, ओ देश मेरे, तेरी धूल से बढ़कर।